What's up everybody, welcome back to another video। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूसा के सीट अलॉटमेंट के बारे में। तो जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है राउंड 6 का वो आ चुका है। देन जूसा का जो अपडेटेड शेड्यूल है इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू NIT प्लस सिस्टम, जो भी बच्चा रिगार्डिंग एडमिशन लेना चाहता है, मतलब कि एडमिशन NIT प्लस सिस्टम के हिसाब से लेना चाहता है, वो उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। क्या इंस्ट्रक्शन है NIT प्लस सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ, क्या डिटेल है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट, फी कितना आपको पेमेंट करना होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो कंप्लीट डिटेल होने वाला है, डिटेल में वीडियो होने वाला है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, फिर भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ लेना। जूसा के राउंड 6 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है, तो आप इजीली सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकते हो। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए, फी पेमेंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, और आपसे जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको रिस्पॉन्स करना है। लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू क्वेरी राउंड 6 के लिए 10 नवंबर है, शाम के 5 बजे तक आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज़ की अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सर्च कर लो @PallavAsoFilm। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जूसा का जो फाइनल राउंड का सीट अलॉटमेंट है, आप उसे चेक करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन की मदद से लॉग इन कर सकते हो। ईजिली कर लेना, आप चेक कर पाओगे कि आपका सीट अलॉट हुआ है कि नहीं। ये जो लास्ट राउंड है ये सिर्फ IIT के लिए है। जूसा 6 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर पाओगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का। सभी कैंडिडेट्स को कहा जा रहा है कि अपना रिजल्ट जरूर से चेक करें। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 7 नवंबर से 9 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। लास्ट डेट है आपका क्वेरी रिस्पॉन्ड करने का 10 नवंबर शाम के 5 बजे तक। अपडेटेड शेड्यूल की बात करें तो 7 नवंबर को जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो भी आ गया, और साथ में जो NIT प्लस सिस्टम है उसके बारे में भी डिटेल्स आ गया। NIT प्लस सिस्टम आफ्टर द 6 राउंड के बाद होगा, देन मतलब 9 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में जो NIT प्लस सिस्टम है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और CSAB का जो शेड्यूल है वो भी रिलीज कर दिया, तो उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को भी देख सकते हो आप अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। नवंबर 9 से नवंबर 13 के बीच में आपको NIT प्लस सिस्टम के लिए जो डेट्स है, शेड्यूल है, वो रिलीज की गई है। 13 नवंबर को शाम के 5 बजे तक का समय है। 16 नवंबर से 21 नवंबर है वो NIT प्लस सिस्टम के लिए है, और 21 नवंबर को शाम के 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के लिए। और जो CSEB का स्पेशल राउंड है वो 17 नवंबर से 19 नवंबर तक के बीच में चलेगा। देन मैं आपको बता दूं, जो NIT प्लस सिस्टम का जो PDF फॉर्मेट है वो भी रिलीज किया गया, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हो, जूसा के वेबसाइट पे देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन NIT प्लस सिस्टम, तो इस PDF को आप डाउनलोड करके सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो। अब बात करें NIT प्लस सिस्टम के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, जो कि कैंडिडेट्स को दी जाती है रिगार्डिंग एडमिशन के प्रक्रिया के लिए। तो NIT प्लस सिस्टम में सिर्फ आपको NIT, IAST, IIIT और GFTIs में एडमिशन मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताने वाला हूँ, तो अभी कंप्लीट वीडियो को देखना एंड तक। सभी कैंडिडेट्स को, जितने भी कैंडिडेट्स जिनका राउंड 1 से लेकर 6 तक के बीच में सीट हुआ था अलॉट और वो किसी वजह से रिपोर्ट नहीं कर पाए, या जो भी कारण था, उनको एक दोबारा चांस दिया जा रहा है। देख सकते हो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीट एक्सेप्ट किया है जूसा राउंड 1 से लेकर 6 तक के बीच में, उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। COVID-19 पैंडेमिक की वजह से डिसाइड किया गया कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है NIT प्लस सिस्टम के लिए, इसको ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, और दो स्टेप्स में होगा ये प्रोसेस। देन स्टेप 1 आप देख सकते हो, ड्यूरिंग 9th टू 13th नवंबर, 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में जूसा के वेबसाइट पे शेड्यूल रिलीज किया गया कि 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में NIT प्लस सिस्टम किया जाएगा। अलॉटेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्शियल एडमिशन फी, जिनको भी सीट अलॉट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना है जूसा के पोर्टल पे जाके। अब जूसा के पोर्टल पे जाके आप कहाँ पे करोगे, तो एक लिंक एक्टिवेट किया जाएगा 9 तारीख को, जिसमें साफ साफ होगा कि आप NIT प्लस सिस्टम के लिए जो उस लिंक पे क्लिक करोगे और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे, देन पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो आप पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट कर सकते हो। स्टेप 2, ड्यूरिंग 16 टू 21 नवंबर,
एज पर अपडेटेड जोसा शेड्यूल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑनलाइन एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट फॉर कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज एज पर द इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब देखो 16 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सीट अलॉट हो गया है, आप 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच में पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करोगे, देन 16 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में जहां पे आपका सीट अलॉट हुआ है, और आपको जितने भी इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स के, वो आप इजीली पढ़ लेना, और कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप जोसा के वेबसाइट से सारा इन्फॉर्मेशन लेके अच्छे से पढ़ के इन्फॉर्मेशन गैदर करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगा अभी। कैंडिडेट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन सीएसईबी स्पेशल राउंड नीड नॉट टू कंप्लीट स्टेप टू ऑफ एडमिशन प्रोसेस मेंशन अबव। अब देखो जो सीएसईबी स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको स्टेप टू नहीं करना है, उनको ऑनलाइन रिपोर्टिंग एडमिटिंग इंस्टीट्यूट में नहीं करना है। वैसे कैंडिडेट्स कंप्लीट करने अपना स्टेप टू आफ्टर सीएसईबी स्पेशल राउंड। अब देखो जो बच्चा सीएसईबी के स्पेशल राउंड में काउंसलिंग करना चाहता है वो स्टेप टू नहीं करेगा। अब स्टेप टू कब करेगा, तो जो जब सीएसईबी का स्पेशल राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको करना है। सीएसईबी का स्पेशल राउंड कंप्लीट होने के बाद फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में उनको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है। जैसे कि देख सकते हो 25 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में उनको ये समय दिया जा रहा है कि आप अपना जो प्रोसेस है उसको 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में कंप्लीट करो एनआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों के लिए, अगर वो सीएसईबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। अब डिटेल्स की बात कर लेते हैं, दो स्टेप में आपको फॉलो करना है। स्टेप वन, सबसे पहले जो एडमिशन प्रोसेस है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, तो सभी बच्चों के लिए मैंडेटरी है जिनका सीट अलॉटमेंट हुआ है उनको पार्शियल एडमिशन फी पे करना है 9 नवंबर से 13 नवंबर के बीच, जिनका सीट अलॉट हुआ है राउंड 1 से लेकर 6 तक, रिटेन अपना सीट रिटेन करने के लिए अगर उनका सीट अलॉट हुआ है। अगर कोई बच्चा अपने अकाउंट में मतलब अपने पोर्टल में जाके जोसा के पोर्टल में जाके एडमिशन पार्शियल एडमिशन फी पे कर देता था तो ठीक है, अगर नहीं करता है उनका सीट अलॉट रहता है, अगर वो नहीं करता है तो उनको उनका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और वो वैकेंट सीट माना जाएगा। इस साल आपको पता है कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है, आपको फिजिकली रिपोर्ट नहीं करना है, तो ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया अपनानी है। जैसा कि देख सकते हो सारे कैंडिडेट्स को पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट करना है। पार्शियल एडमिशन फी आप कैसे पेमेंट करोगे, तो अपना लॉगिन करोगे जोसा के पोर्टल में जाके लॉगिन करोगे शाम के 5 बजे के बाद कल, फिर एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट ऑप्शन एक आएगा उसको आपको क्लिक करना है। दे मस्ट रीड एंड फॉलो द टर्म एंड कंडीशन केयरफुली डिस्प्ले आफ्टर ऑप्टिंग एडमिशन एंड पार्शियल फी पेमेंट, तो आपको जो इंस्ट्रक्शन है टर्म एंड कंडीशन है अच्छे से पढ़ लेना है। आप सभी चीज़ पढ़ लोगे फिर एग्री के बटन पे क्लिक करोगे तो पार्शियल एडमिशन फी 40,000 रुपीज़ है जनरल कैटेगरी के लिए जनरल EWS OBC NCL, और रुपीज़ 20,000 है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और ये पार्शियल एडमिशन फी आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ई चालान के थ्रू पेड कर सकते हो। उसके बाद स्टेप टू देख सकते हो, सक्सेसफुल पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स को टेक एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू विजिट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट वेबसाइट फॉर डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। आप देखो जैसे ये पेमेंट कर दोगे तो आपका जहाँ पे मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है उनके जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको विजिट करना है, वहाँ पे क्या डिटेल्स दी गई है या फिर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे प्रोवाइड किया गया हो तो उस नंबर पे आप कॉल करके आगे की प्रक्रिया के बारे में जान सकते हो। डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसेस फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको वहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई होंगी, तो आप 16 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक के बीच में इसके बारे में जान सकते हो। तो 16 नवंबर से 21 नवंबर का समय दिया जा रहा है आपको जो भी आपके एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाके जानकारी प्राप्त करने के लिए। देन कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन CSEB 2020 स्पेशल राउंड। आप CSEB में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो लेकिन आपको स्टेप टू नहीं करना है अगर CSEB में आप करते हो पार्टिसिपेट तो। हाउएवर रिफंड ऑफ फी डिपॉजिट एट एडमिटिंग इंस्टीट्यूट इन सच केस विल गवर्न बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूट रूल्स। और मान लो कि आपका कोई फी रिफंड वाला कोई मामला है तो ये आपके जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूट है वो आपको
आप प्रेफर करेंगे, उनसे आपको पूछना है क्या प्रक्रिया है, किस तरह से फी पेमेंट होगा, या फिर अगर कोई रिफंड वाला मामला है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। अगर कोई बच्चा CSEB में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो सिंपली जो आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ है स्टेप टू के लिए वो नहीं करेगा। मस्ट रजिस्टर फॉर CSEB स्पेशल राउंड। अगर आप NIT प्लस में नहीं ले रहे हो तो CSEB में आप कर सकते हो, लेकिन आपको जो स्टेप टू है वो स्टेप आपको नहीं करना है। देख सकते हो, सच कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ CSEB 2020 स्पेशल राउंड एट देयर फाइनल अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग 25 to 30 नवंबर। मान लो CSEB में आप स्पेशल राउंड में काउंसलिंग कर रहे हो और उसमें आपका सीट इंस्टीट्यूट में अलॉट हो गया, तो आपको जो टाइम दिया गया है 25 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में जो सेकेंड स्टेप वाला प्रक्रिया है वो अपनाना है। तो ये कुछ थी डिटेल NIT प्लस सिस्टम से रिलेटेड। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।